अलीगढ़ में बच्चे के साथ दुष्कर्म और उसकी दर्दनाक हत्या का विरोध मेरठ की सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ एनजीओ संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। संगठन के लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें एक पपत्र पर आने जाने वाले लोगों के हस्ताक्षर करवाए। इसमें लिखा था कि दुष्कर्मी को फांसी की सजा दी जाए। मेरा नाम अतुल शर्मा है। देखिए, पिछले 8 दिन, वैसे तो लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन पिछले 8 दिन में अगर देखें तो केवल मेरठ में ही इतनी घटनाएं हैं। औसतन हर रोज़ एक बलात्कार छोटी बच्ची के साथ हो रहा है और फिर उसकी हत्या कर दी जा रही है। और हो रहा ये है कि देखिए, जैसे कठुआ कांड में आया कि उम्र कैद की सजा आ गई, चाहे वो टिल डेथ है, लेकिन उससे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मौत का खौफ हर किसी के अंदर होता है। तो हम इसमें ये दायर करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए किसी बलात्कारी को तय होते ही, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमे का निस्तारण होना चाहिए। ये नहीं कि वो लंबा किस्ता रहे और जो पीड़िता है और उसके परिवार हैं वो घिसट घिसट के थक जाएं कि मुकदमे में अब कुछ भी होता रहे। तो फांसी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसके निर्णय के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इसीलिए हस्ताक्षर अभियान किए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे, हो सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारी बात पर अमल करें। तो ये कोशिश हमारी सभी जनपदों में हम लोग जा रहे हैं। इसके बाद देखिए, अगर हम 8 दिन से देखें, ऐसे तो हम लोग इस पर लगातार काम कर ही रहे थे, लेकिन जैसे अलीगढ़ वाली घटना हुई, बहुत दुर्दांत हुई। इससे पहले वो 1 साल पहले कठुआ वाली हुई, कुछ दिन लोगों ने मार्च निकाले, मोमबत्ती जलाई और बात खत्म हो गई। फिर कोई नहीं आया। निर्भया कांड हुआ, लोगों ने शोर मचाया, दिल्ली तक पहुँचे, कुछ नहीं हुआ। अब इसके लिए हमने ज़रूरत महसूस की कि फांसी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमको। इसकी लंबी लड़ाई, जितनी लंबी लड़नी पड़े, चाहे जैसे हमारे साथ यशोदा यादव एडवोकेट जी भी हैं, ये हमारे साथ बहुत सहयोग कर रही हैं, तो आखिर तक लड़ने का भी मदद दे रही हैं। तो हम और भी हम एडवोकेट्स को इनसे उम्मीद करेंगे कि हमारे साथ जोड़ेंगी, ताकि साथ आएंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख सकें और फांसी की सज़ा के लिए आगे कार्रवाई इसमें कुछ शुरू हो सके।